आदेश आया है, दो मिनट के बाद फिर से हम सभी चलेंगे उसी गीत की ओर। इतनी देर में कमान तो होगा वो। आज हम जिस देश में निवास करते हैं वहाँ आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। आजमगढ़ और मऊ के लोगों का जो स्नेह और प्यार आशीर्वाद मिला है, इस शक्ति का उपयोग हम इस ज़िले के विकास के लिए, इस प्रदेश की ताकत के लिए, इस देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए लगाएंगे। यह सही है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय संपत्ति हैं, और भारत सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है उसमें हम सब लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, इस आशीर्वाद के बल पर दुनिया में हिंदुस्तान सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के आपके जीवन में क्या योगदान रहा है, आदर्श मानते हैं आपको? हमारे जीवन के एकमात्र नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं। मैं उन्हीं के चरणों में रह करके सियासत का कगर सीखा हूँ और वह अंतिम समय तक हमारे अकेले आदर्श हैं। शेष लोग देश और विदेश और स्थानीय समस्याओं को लेकर उसके हित में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के आदर्श अकेले चंद्रशेखर जी हैं। आज उनके न होने की सबसे बड़ी कमी क्या महसूस होती है आपको? कमी यह है कि हम लोगों को मिलजुल करके उनके विचारों को और सशक्त और ताकतवर बनाने की ज़रूरत है।